मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में रंगदारी न देने पर ऑटो चालक से की मारपीट, कैंट पुलिस ने की कार्रवाई। रंगदारी न देने पर ऑटो चालक को दबंगों ने पीट कर उससे रुपए लूट लिए। घटना की जानकारी होने पर पहुंचे परिजनों के साथ भी दबंगों ने गाली गलौज की। पीड़ित ने पुलिस पर लगाया आरोप। थाने पहुंचने के बाद चालक आरोपी के खिलाफ पुलिस की तहरीर दी। परिजनों ने पुलिस ऑफिस में पहुंचे आरोपियों को कार्रवाई करने की मांग की। कैंट थाना चरेटी का रहने वाला बलबीर सिंह पुत्र बालम राम कौटिया के रहने वाला अमित यादव पुत्र महेश यादव के साथ पहुंच गया, जहां बलबीर रंगदारी शराब पीने के पैसे मांगने लगा। इसको लेकर उन्होंने दोनों में आपस में मारपीट शुरू कर 630 रुपए लूट लिए। चालक ने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने सर कल शाम के टाइम पे जो आया सवारी थी इसकी, ठीक है, मेरे से कहने लगा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे से कहने लगा मैं जाता ही नहीं, चौकी चौराहे मेरा मध्यात परमिट ऑटो है, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कि और किसी से बात कर ले, ठीक है। मैं दूर चला गया था, जब मेरे पास फिर आया, मेरे पास दो सवारी चौकी चौराहे बैठी हुई थी। मैंने कहा चौकी चौराहे छोड़ दूंगा आपके लिए, आप ही सवारी बैठा लो। कह रहे तो लेके जाए, इन्हें लेके जा। मैं गाली वाली करने गया, मैं दो सवारी लेके चला गया। फिर मैं वापस आया, ये था नहीं उस वक्त, मैं मतलब मैंने मूंगफली वहीं से खरीदी अपने यहाँ। मैं मूंगफली कर रहा जी, आया एकदम जो मारने लगा मुझे आके, कह फिर क्या मेरी बहनों ने वहाँ से आ गई सुन के खबर, इनके ऊपर कूद गया वो। किसने मारा? अमित यादव ने। उसके पिताजी पुलिस में है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पैसे मांग करता क्या? पैसे की मांग करता, वो पैसे मांगता है ऑटो वालों से, उपाय करने के लिए परेशान करता रहता है सब लोग, सब ऑटो वालों को परेशान करता है। और गाली देता है वो, ज्यादा आता है कहे पहले, कभी कभी आता है कहे पहले लेके आया तो फौगे के लिए पैसे दे। आज एसएसपी ने क्या आश्वासन दिया आपने? शिकायत शाम को भी थाना कैंट गए थे, वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जहाँ शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।